बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला Yeah.
की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जिंदाबाद, माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। क्या पर्पज है और क्या आप पार्टी हिमाचल में क्या करने जा रही है? पहले तो मैं आपके देवभूमि चंबा के अंदर आपका धन्यवाद करूंगा जो यहाँ के प्रेस वाले हैं, और जैसे लगता है कि भी प्रेस वाले भी वैसे ही साफ सुथरे हैं जिस तरह से यहाँ की देवभूमि, और जिस कदर ये आज जो रथ यात्रा हमारी यहाँ से शुरू की है चंबा से, और ये पूरे कांगड़ा पार्लियामेंट्री को जो में विधानसभा तक इसका संपर्क होगा और जाएंगे इसी तरह से जिस तरह से आज आपने देखा है, और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सलीम जी हैं, उनकी जितनी पूरी टीम है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हमारे सेक्रेटरी भी हैं, तो इन्होंने जो यहाँ पर जिस तरह से अपना जो कुनवा बढ़ाया है, पहले तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ, और इसी तरह का कुनवा जो है पूरे प्रदेश में भी बढ़ रहा है, और इसके चलते जो हमने ये अब जो यात्रा शुरू कर दी है, ये हमारी जो है दोनों पार्टियों की अंतिम यात्रा होगी, हमारी जो सरकार बनेगी आने वाले नवंबर के महीने में, जिस तरह से हमारे पास मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एडवांस कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो केजरीवाल के मुद्दों को अप्रिशिएट कर रही हैं और उनको देखने भी आई हैं, और केजरीवाल जी ने जिस तरह से दुनिया में, देश में ही नहीं दुनिया में अपना नाम कमाया है, तो दूसरी सरकारों ने, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने पिछले दिनों में पिछली
कई सालों से क्या किया ये आप भी देखते हैं। आज जिस तरह से महंगाई का दौर है और बिजली पानी को लेकर के देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के देख लीजिए, आपके यहाँ आंगन में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर डॉक्टर्स है नहीं है, और यहाँ पर जो MRI और CT स्कैन की दूसरी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया नहीं करवाई गई। जब एडमिट होता है पेशेंट उनको जो है अगर उसने बाहर भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो वो पैसे उसको रिमर्स होने चाहिए थे। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पूरे कॉलेज की जांच चाहूँगा कि वो पैसे कहाँ गए, किस खाते में गए, वो भी होना चाहिए। इस तरह की तमाम मुद्दे चाहे आप सड़क देख लो, आज की सड़कों के हाल देख रहा था मैं चंबा के दौरे पे हूँ तो बल्कि सड़कों में गड्ढे नहीं है बल्कि सड़क ही गड्ढे में। तो आज जयराम जी से और प्रदेश की सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले 5 काम तो गिनाइए, 4.5 साल में 5वां साल होने लगा है, 5 काम आप गिनवाइए। जो काम आपने अगर पब्लिक से लिंक्ड जो काम जो विकास के काम है वो गिनाइए और उसका श्वेत पत्र इलेक्शन से पहले जारी करें। जब आपका मैनिफेस्टो जारी होगा उससे पहले जो है श्वेत पत्र जारी करें तब लोगों को पता तो चले कि आपने ये काम किए। पुराने जो इनके मैनिफेस्टो थे वो पूरे नहीं हुए। इस तरह से आप केजरीवाल की नकल कर रहे हैं बिजली और पानी को लेकर, तो पूरी नकल कीजिए ना आप। आप 201 यूनिट से आगे चलिए दिल्ली के अंदर ताकि हम माने कि भी आपने कुछ काम किए। पहले बोलते थे केजरीवाल पैसे कहाँ से लाएगा, जब उनको हमने ये बताया कि केजरीवाल जी ऐसे ऐसे पैसे लाते हैं, फिर उन्होंने 60 यूनिट से जो बेवकूफ बनाने का जो कोशिश की है, जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है, मुँह ऊँट के मुँह में चीरा, फिर 60 से 125 की तरफ चले गए। और शहरों में और शिमला में और पानी कहते गाँव में तो वैसे ही मुफ्त होता है क्योंकि हमारे तो बावड़ी दूसरी चीज़ें होती है। किस चीज़ का मुफ्त दिया, क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो? शहरों में करिए आप फ्री पानी अगर आप में दम है, क्योंकि शहरों में तो पानी नहीं आ रहा है, आजकल सूखा पड़ा हुआ है। जितने स्रोत हैं नदियाँ यहाँ से नीचे को बह रही हैं दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी उसको एक्सप्लॉइट करके उनका दोहन करके 20,000 लीटर जो है पर मंथ पानी जो है फ्री दे रहे हैं अपनी दिल्ली की जनता को। पानी किसका है हमारा? आप देख रहे होंगे ब्यास नीचे को बह रही है, इसका दोहन हो रहा है कहीं? बिजली के प्रोजेक्ट बाहर वालों को गुजरात वालों को दे रहे हैं, हिमाचल के बेरोजगारों को दीजिए ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में उनको बांट दीजिए और सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्याज जो है लोन दीजिए ताकि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो। इस तरह से थोड़ी कोई अग्निवीर कोई अगली बार जिस तरह अग्निपथ अग्निवीर है, आने वाले दिन पत्रकार बंधुओं में आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार वीर भी आ सकता है, डॉक्टर वीर भी आ सकता है, IAS वीर भी आ सकता है, HS वीर भी, इंजीनियर वीर, इसी तरह के वीर चलेंगे। और इनके जो वीर होते हैं देवताओं के साथ देवते होंगे अदानी और अंबानी। मोदी तो चला जाएगा जब मोदी साहब हार जाएंगे तो 2024 में हारना निश्चित है दिल्ली के अंदर। जो केजरीवाल जो है भारत के प्रधानमंत्री 2024 में बनना निश्चित हुए हैं, उसी तमाम कड़ी को लेकर के ये रथ यात्रा वगैरह शुरू की हुई है। और ये रथ यात्रा हमने ऐसे नहीं शुरू की है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखिए, लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से लोगों की नब्ज को टटोल के उनके सेंटीमेंट की कदर करते हुए ये हमने पीड़ा उठाया है, क्योंकि लोगों के कहने से किया, हमने कुछ नहीं किया। तो आने वाले लोगों में जो ध्यान मिल रहा है वो बिल्कुल सरकार बनने के संकेत दिए रहे। सर, जिस तरह से पंजाब में आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी संगरूर में उपचुनाव हुए तो उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस या भाजपा की जो करारी हार हुई है उनकी जमानतें तक जब्त हो गई है, जबकि ये कहीं ना कहीं इसमें बेइंसाफी हुई है, लोगों को गुमराह किया गया है। मान साहब के अगेंस्ट जिस तरह से बोलते कि सिद्धू मूसे वाला या दूसरी चीज़ें खड़ी की उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए, जितनी देर में हम उनको पब्लिक को समझा रहे थे बुझा रहे थे कि आप इस चीज़ में न जाइए, तो वो कहीं ना कहीं अगर संगरूर में हुआ तो दिल्ली में भी तो हम जीते हैं और दिल्ली में भी तो हम आए हैं। जो हमारे दुर्गेश पाठक जी 11,000 समथिंग वोटों से जीते हैं वो भी तो एक बराबर की चोट होगी। अगर किसी कारण इसकी हम जांच करेंगे पंजाब में क्या रीज़न रहे होंगे, हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के, क्योंकि मुसेरे में तो ये दोनों ही मुसेरे भाई हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं संगरूर की जनता को गुमराह किया। वहाँ फसलों का भी काम चला हुआ था, ज़्यादातर वोटर जो है वो बिजी थे और नहीं आ सके, हो सकता है कहीं हमारा भी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। नमस्कार, मैं मिंडूरा बंधुओं का नमस्कार करता हूँ। और आज जो ये बदलाव यात्रा निकाली गई है ये पिछले कल भरमौर से शुरू की थी, आज चंबा में निकाली गई है, इसके बाद डीसा, उसके बाद डलहौजी और डलहौजी से भटियात होते हुए ये कांगड़ा जाएगी। ये बदलाव यात्रा लोगों में एक जागरूकता और एक 2022 में जो नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर एक संकेत दिया गया है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल के 18 के 18 विधानसभाओं में लड़ रही है और ज़ोर शोर से लड़ रही है। और लोग जो हैं इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से दुखी हैं
और वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्या चाहते हैं? छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारे हॉस्पिटल चंबे के हॉस्पिटल जो है उसमें जिस तरह से डॉक्टर नहीं हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे छोटे बदलाव को चाहते हुए चंबा की जनता आज बदलाव करने के मूड में है और 2022 के चुनाव में चंबा में, पूरे हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। नमस्कार मीडिया बंधु का, आज आपने कीमती वक्त देकर जो आज यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। आज 2022 का जो शंखनाद है, जो आगाज है आम आदमी पार्टी ने आज चंबा जिला से स्टार्ट करके, हमने भरमानी माता के माथा टेकने के बाद जो है भरमौर में अपना आगाज किया, उसके बाद आज चंबा विधानसभा, उसके बाद हमारी पांचों विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो रथ यात्रा, जो बदलाव यात्रा है ये निकलेगी और बीजेपी और कांग्रेस का अब सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि भाजपा का सत्ता में भाजपा है और उनका जो मैनिफेस्टो था, जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों पे आज तक इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अब लोगों को बरगला रही है, अब लोगों को गुमराह कर रही है, अब केजरीवाल जो मॉडल है उसका नाम लेके उसकी नकल करके जो है बीजेपी जो है वो आगे आ रही है। जैसे 125 रुपये बिजली जो है फ्री दे रहे हैं, पानी का जो है बिल जो फ्री दे रहे हैं और बस का हाफ किराया। मैं बता दूं कि नकल को भी अकल चाहिए, जयराम जी को भी अकल नहीं है। अकल इसलिए नहीं कि पंजाब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का बस का किराया बिल्कुल फ्री है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, चुनाव तक है, चुनाव के बाद ये जो है ये कुछ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी 68 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। हम बात करें हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से कितने बुरे हालत हैं। आज दो दिन पहले डिप्टी स्पीकर हंसराज जी ने एक ऑडियो वायरल की है, उस ऑडियो में कहा गया कि मेरी तबीयत नहीं खराब होने के कारण मैं शिमला IGMC में चुनाव अपना इलाज करवा रहा हूँ। यहाँ पे साफ तौर पे इन नेताओं का, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की अपनी जो उनकी जो काबिलियत है वो सामने आई है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज पे काम नहीं किया, अगर डिप्टी स्पीकर ने मेडिकल कॉलेज पे काम किया होता तो वो इलाज करवाने IGMC नहीं पहुँचते, इसलिए इनकी नाकामियाँ जो हैं आगे आ रही हैं। चाहे हम पूरे चंबा जिला की बात करें, चंबा पांचों विधानसभा के विधायकों ने अपने विधानसभा में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था आज तक नहीं करवाई है, ये यहाँ पे इनकी नाकामी नजर आती है।